सबसे पहले तो आज यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, पूरी टीम आई है मानसिक की क्या टेंशन है? माँ जी माँ जी द माउंटेन मैन फिल्म जो है वो 21 तारीख को रिलीज़ हो रही है और हम सारे देश में घूम रहे हैं लोगों से डायरेक्टली मिलने के लिए, क्योंकि एक ऐसी फिल्म है जो कहीं ना कहीं आज के यूथ को छू रही है। जिस तरह से इसके ट्रेलर का इसको रिस्पांस मिला है बहुत ही अमेजिंग ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है और ऐसा लगता है जैसे यूथ ने इस फिल्म को अडॉप्ट कर लिया हो इंडिया के यूथ ने, क्योंकि ये बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है, एक बहुत ही पैशनेट लव स्टोरी है और ये दोनों फ्रंट पे यूथ के साथ कनेक्ट कर रही है। सो दैट्स व्हाई इसलिए हम यहाँ पे आए हैं, सारे देश में IIMs IITs वगैरह एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जाके यूथ से डायरेक्टली बात कर रहे हैं, उनको फिल्म के बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फिल्म जो है वो ऐसी फिल्म है जो हर नौजवान को हर बच्चे को देखनी चाहिए। सर, नवाज का जो रियल लाइफ इमेज है, रियल लाइफ पर्सोना है, वो रियल लाइफ से आपने कैसे कनेक्ट किया, आपको क्यों लगा कि नवाज ही बेस्ट सूटेड फॉर द रोल? ने नवाज जो है वो अपनी जनरेशन का सबसे बेहतरीन एक्टर है जी। ये तो सब मानने लगे हैं आप। दूसरा जो उनका फिजिकल टाइप है, जो बॉडी जो है, वो भी दशरथ मांझी के साथ इतना मैच कर रहा है, क्योंकि दशरथ मांझी जो रियल लाइफ में जिनके जीवन पर ये फिल्म आधारित है वो भी एक पतले दुबले छोटे कद के इंसान थे, पर इंटेंसिटी जो उनमें थी वो गजब की इंटेंसिटी थी उनकी आँखों में, और वैसी ही इंटेंसिटी नवाज़ की आँखों में भी है और उस इंटेंसिटी के सहारे ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में एक पहाड़ तोड़ा है। एक छोटे से गांव से आया हुआ आदमी बॉलीवुड में आके अपनी जगह बनाता है, वो भी 15 साल लगा के, तो उसने उन्होंने भी 15 साल तक एक पहाड़ तोड़ा और फाइनली इस मकाम पर पहुँचे हैं। इस फिल्म का सारा जो आधार है वो प्यार है, जिसकी खातिर एक आदमी ने 22 साल लगा के अपनी ज़िंदगी के पहाड़ तोड़ दिया, तो उसके लिए एक ऐसी लड़की की ज़रूरत थी जो कि अर्दी हो, सेंसिटिव हो, सेंशुअस हो, इंटेलिजेंट हो, इनोसेंट लुक हो उसकी आंख में और बहुत ही एक्सप्रेसिव आइज़ हो। इसके लिए हम लोगों ने कम से कम 100 लड़कियों का ऑडिशन किया, पर जैसे ही राधिका का ऑडिशन मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ बस यही, ये लड़की एक ऐसी है जिसकी आंखों में देख के कोई आदमी फिर बाद में पहाड़ तोड़ने की सोच सकता है। सो दैट्स व्हाई राधिका इज पार्ट ऑफ यंग ऑडियंस को आपने टारगेट ऑडियंस बनाया, तो ये कितना यूजफुल होगा फिल्म के लिए और फिल्म के बिजनेस के लिए खास करके? ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है। आज इंडियन यूथ को जो ज़रूरत है वो एक इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की ज़रूरत है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की एक जो का जज्बा जो है उसको जगाने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ें जो है वो ये फिल्म का जो प्राइमरी मुद्दा है वो ये है। इसलिए मैं मानता हूँ कि भारत का भविष्य जो है वो आज के यूथ में है, और अगर यूथ इस फिल्म के साथ कनेक्ट करता है तो मेरे इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और क्या हो सकता है। फ्यूचर में भी अपने नवाज के कोई स्क्रिप्ट लिखी है? दोस्त, मैं स्क्रिप्ट पहले लिखता हूँ, कास्टिंग बाद में करता हूँ, तो अभी जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है उसके ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही कास्टिंग की बात शुरू करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सर। TV9 seem very excited, no? You're such a lovely audience, I'd like to take you home. Right. Nice.
guys, you guys have been really, really nice so far. So what we're going to do, what we've been doing is we've been traveling to colleges across the country and talking about the film and what the film means to not only Nawaz and Ketan sir, but also to you guys. So we're going to have a short discussion about that, and then we're going to have an open question and answer round for you guys. So if you want to ask a question to Ketan sir or Nawaz sir, feel free, raise your hand, we'll come to you, we'll give you a mic. And we would love to have a conversation with you. Does that sound exciting? Yes? Brilliant. So we're going to have a quick chat over here, and then they're going to get to you guys. And if you want to add anything in the middle of the conversation, raise your hand one at a time. You guys are a great crowd so far. You're going to be a fantastic crowd, right? All right. Can I also have the house lights on, please? And increase the stage lights. It's a little dim. Guys at the tech room. Brilliant, looks much better. We can see you now. That's really, really nice. People are standing in the aisles and sitting. It's really, really cool. All right, my first question is to you, Ketan. So, how can young people watching this movie relate to it? What can they learn from this film? Okay. Even in your field, what does it take to succeed in your own eyes? A big, bold idea, courage and conviction to see it through, resilience and inner strength to achieve the goal. Now, I think Dashrath Manji is a perfect symbol for all this put together. An ordinary man achieving an extraordinary feat. All by himself, one man, 22 years of his life, with just a hammer and a chisel, deciding to break a mountain and carve out a path for love. I can't think of a more inspiring story to share with my audiences. So yes, I mean, this film, the genesis of this film is a desire to feel inspired. I think that is what the youth of today needs. Positive attitude, real life, iconic, ordinary heroes, and a never say die spirit. I think that's what this film is about. That's what I want to share with you. That's what we want to share with you. Thanks, sir. Thanks, sir. Nawaz, you play a character, Dashrath Manji, who's faced a mountain for 22 years. A lot of these kids, you know, you guys are going to go out now, you guys are going to step out, do your own thing, and like probably get a job or start businesses of your own. It's going to be a very similar story. And here we have someone who's done it all. 15 years, he's made it on his own, he's become one of the biggest actors in Bollywood. How has it helped you in this film? Of course, तो मेरे IIT के स्टूडेंट हैं इतने पढ़े लिखे होते हैं तो मेरे हाथ पैर काम नहीं करते थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसलिए क्योंकि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे स्टोरी जैसे आपने पूछा कि कहना कहीं ऑफ कोर्स रिलेट करती है क्योंकि मैं 15 साल आई थिंक 9-10 साल स्ट्रगल किया मैंने इस इंडस्ट्री में 10-12 साल आई थिंक और उसमें 42nd के रोल से स्टार्ट किया था सरफरोश और उसके बाद बहुत सारे रोल ऐसे भी जो मैं बता नहीं सकता और बहुत सारे थे और भी और वो देखे नहीं शायद वो सी ग्रेड की फिल्में थी बट उसमें ये था कि जब भी कैमरा मैं क्राउड में खड़ा रहता था जब भी कैमरा आता तो मुंह पीछे कर लेता था मैं ऐसे ताकि किसी को पता नहीं चले अरे यार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक्टर और देखो क्या कहाँ खड़ा हुआ है तो इसका कहना कि एक थोड़ा सा इंस्टीट्यूट का एक प्रेस्टीज का सवाल होता है
आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि जिस इंस्टीट्यूशन में आप स्टडी कर रहे हैं उस वो उसमें वो कितना ऑनरेबल होता है, कितना प्रेस्टिजियस होता है, तो उसकी वैल्यू आप समझते हैं और इसी के बाहर निकलने के बाद उसको अंजाम भी देते हैं। बहुत ज़्यादा था ऑफकोर्स, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा थे, और ये भी होता था कि कभी किसी ऑफिस में चले गए कि भाई काम मांगने के लिए, तो असिस्टेंट जो होता था वो देखता था ऊपर से नीचे तक, क्या है ना एक्टर है, देखने से तो लगता नहीं एक्टर है, तो कुछ करके दिखाए क्या। तो इस तरह के बहुत सारे वो होते थे, डिस्कशन होते थे। हैं बट फाइनली ये होता है कि कहने की वो एक्सपीरियंस जो है वो अब काम आ रहा है, क्योंकि उस दौरान जब मेरे पास काम नहीं था 12 साल तक, उसमें ऑब्जर्व बहुत किया, नोइंगली अनोइंगली ऑब्जर्वेशन रहा, ऑब्जर्व करता रहा, तो अब जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ, चाहे वो लंच बॉक्स का हो, चाहे बाकी फिल्मों का, या ये वो रिलेट करती है, वो देखे हुए वो सारे कैरेक्टर मैंने अपने रियल लाइफ में, तो मैं कोशिश यही करता हूँ जितने कैरेक्टर्स हों वो एग्जिस्ट करते हो अपनी कंट्री में, वर्ल्ड के किसी कोने में, वो फेक ना लगे कहीं से भी, ऐसा ना लगे कि why I like IIT Bombay is because you guys are responsible, IIT Bombay is responsible for TVF. And what a classic example of this do-it-yourself generation, right? 4 or 5 of them just got together and created such beautiful content, and they're doing you guys proud, and you guys are probably going to go up and do something like that as well. And Kevin, so when these guys step out, they are going to be mountains in their way, you know, and people are going to say, "Nahi hone wala hai, ab se nahi, ab chodo, just do a regular job." Stuff. What advice do you have for these young kids who are going to go and face mountains of their own? Simple. There's nothing impossible. Just believe in yourself and do it. It's as simple as that. That's what I believe. There's a mountain man in each one of us, and we are traveling all around the country to try and touch that mountain man within, especially the younger generation, people like you, who will create the future of this country. So I'm very positive about it. The kind of response you people are giving to this small little trailer that we have gives us hope, gives us encouragement, gives us a very good vibe. So well, I was hanging backstage because I'm lucky I get to hang with these people. But let me tell you this, right? I you want to share it with them? What are the story about it? हमारे का ये था कि लाइक मुझे लग रहा था कि फिल्म में जिस तरीके से यूज़ किया जाता है, प्रॉपर्टी यूज़ प्रॉप्स यूज़ की जाती है, वो थोड़ा नकली होगा कोई हैमर। तो सर ने मुझे मेरे से बदला लिया और इन्होंने मुझे असली, आई थिंक 20 kg का वो था हैमर, तो वो चलाना पड़ा 1.5 महीने तक, तो पत्थर पर मारना पड़ा। उससे ये हुआ कि मेरे थोड़े से, मैं कभी गया नहीं हूँ जिम में, तो ये बनने लगा। So we had to cancel security because Nawaz was like, "Theek hai, tu bhi sambhal le, bas bas." Thoda udaaya, bas. That was really nice. And is there any funny story, any funny moment that you guys would like to share that happened during the film? Anything that comes to mind? There are actually 2 funny stories. Just before coming for the shooting, Nawaz had hurt his leg very badly. So the first day of shooting, the entire unit was climbing the mountain, and Nawaz was actually carried like a nawab on a chair, you know, up the hill to shoot. And that was really a funny sight. This small little man feeling nervous on the chair, feeling nervous as he was being taken up there. And the second one, where both Nawaz and Radhika must have cursed me, or actually did curse me a lot, was a scene in winter. And they were supposed to be romancing, covered fully in mud,
and in water, in freezing water, both Nawaz and Radhika in water all night, trying to look romantic and looking so funny that we had to take it again and again and again. Yeah, but the scene has come out extremely well. So that will tell you how wonderful actors they are. And Nawaz, this film also stars the fantastic Radhika Apte. Yeah. couldn't be with us. She had some prior commitments. But Nawaz, would like to say a few words about how what the experience was like working with her in the film. एक्चुअली सर ने जो कास्ट किया था वो ऐसे ही ऐसी लड़की को कास्ट करना चाह रहे थे जिसके चेहरे को देख के लगे कि वाकई तोड़ देंगे पहाड़. तो वो रॉनेस और वो ब्यूटी राधिका के पास थी. तो उसकी जब कभी मेरी शूटिंग होती थी उसकी नहीं होती थी, होटल में होती थी, तो मैं सर से बोलता था मैं उसको बुला दूँ. थोड़ा उसको देख देख के पहाड़ तोड़ूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, थोड़ा ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा तोड़ सकते हैं पहाड़. फैंटास्टिक केमिस्ट्री, एनर्जी आता है. इस सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना वो जरा समझ. But all right guys, I'm going to throw some questions off to you guys. We'll have to have ask a few questions. Yes. Okay. Now here's how we're going to do this. One at a time, in an orderly manner. We have somebody who has a mic. Okay. If you have a question, raise your hand. Take the mic. Introduce. We have. We start from the front. All right. The gentleman in the second row, sitting down. Best Bollywood actor ever. And I'm just curious. When are you getting an Oscar? That's why. ऑस्कर कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए. अगर हमारी कंट्री में अगर कोई लाइक जैसे नेशनल अवार्ड भी होता है, बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड मिलता है, तो मुझे उतनी खुशी होती है जितना आई थिंक जब किसी को ऑस्कर मिलता है, उतनी खुशी मुझे अपने नेशनल अवार्ड से भी मिलती है. और हमें ठप्पा लगवाने के लिए ज़रूरी नहीं कि हमें ऑस्कर, अगर आप अच्छे हैं सर ये तो बताऊँगा कि आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं एक्चुअली, और ट्रेलर तो बहुत झकास है, सबको पता है यार, बहुत झकास है. सर आपका तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उनके साथ मैं सलमान खान का भी बहुत बड़ा फैन हूँ. सर आपने लास्ट दो मूवी सलमान खान के साथ किए, और मैं सलमान खान का सर बहुत बड़ा फैन था, पर उसके बाद जब ये दो मूवी देखा तो आपका ज्यादा फैन हो गया उनसे, सलमान खान. और मेरा क्वेश्चन है कि आप सलमान खान सर से काम करने के बाद मतलब एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? सर हो सके तो उनके साथ थोड़ा मुझे मिला दीजिए. अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ. How was your experience asking that question? All right, one more. All right, brilliant. मेरा आपसे सवाल है. Actually आपने 3-4 बायोपिक मूवी बनाई है सरदार, मंगल पांडे. तो एक्चुअली मंगल पांडे एंड ये भी एक बायोपिक मूवी है. तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट एंड सच अ वर्सटाइल एक्टर, दोनों में मतलब क्या डिफरेंस लगी आपको दोनों के साथ काम करके? वो
for success of any actor, there is a certain quality which takes him to that level. Some people get it on a platter. Other people have to struggle to gain that kind of a confidence in themselves and that kind of a reach to the audience. I believe Nawaz is one of the finest actors of his generation. I believe the role that he has done in Maji the Mountain Man is one of the finest performances in history of Indian cinema. And I'm not saying this just because it's a film that we have done. Even if I see it as an audience, even you people will agree with me that it is truly a great performance. Thank you, sir. All right, we take a question from someone at the back. Yes, the gentleman in the black t-shirt. We can't get the mic to you, unfortunately, so you'll have to be a little loud. That's fine. Don't take the mic. That's fine. You'll be a little loud. Your name and... Thanks for Nawaz sir. Like, Manji movie mein, jaise Manji ne ek pahar toda kisi ke liye, matlab pyar ke liye. Aapne kabhi kisi ke liye aisa kuch kiya ho? मैंने शीशा तोड़ा था. मतलब इतनी मतलब ज़रूरी नहीं कि किसी मतलब प्यार पैशन जो होता है प्यार का वो किसी भी चीज़ में हो सकता है. मे बी आई थिंक हाँ मैंने इतना किया था कि भाई एक जिस लड़की से मुझे प्यार था उसके लिए एक परफ्यूम की एक बोतल लेके गया था उसको देने के लिए. तो ये मेरा एक्सट्रीम था. उसके बाद हिम्मत ही नहीं बोली उसने. वो बॉटल जो थी ना परफ्यूम की बॉटल इतना घटिया परफ्यूम ला के दिया था उनका. Such an interesting insight. Someone else from the back. Yes, you right at the back waving his hand. Yes. मैं एक्चुअली मैंने तो रोल किया है उनका और मतलब उनका वीडियो आया था तो उससे तो कबीर ने फिर मुझे बताया कि ये जो पोर्शन है स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो मैंने उस वीडियो को आई थिंक कोई 100 बार देखा जिस दिन शूट होना था. मॉर्निंग में शूट होना जैसलमेर के स्टेशन पर तो 100 बार देखा मैंने उसको. और मैं यू ऐसा हो गया था कि अगर रात में कोई मुझे उठाता कि नमाज तो मैं एकदम शुरू हो जाता है कराची से कराची में. कराची में अंदरून मुल्क के लोग के लिए आ रहे हैं. कराची से भाई क्या कर रहे गाड़ी निकल जाए. कराची से अंदरून मुल्क के लोग अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं. कैमरामैन कामिल हुसैन साहब चांद नवाब कराची. Can we have someone from this side? Yes, sir. The gentleman in the white t-shirt. White t-shirt, sir. Aapka blue. My name is Sudhanshu Singh and my question is for Ketan, sir. Sir, abhi aapne bola ki aap Manji se badi inspiration milna bahut mushkil hai. Lekin next film ki inspiration aapke bagal mein baithi hui hai. Nawazuddin Siddiqui sir pe hone ka ban liya. अभी तो इनके जिंदगी की शुरुआत है. आगे देखिए. फॉर अ सेकंड आई थॉट यू वर टॉकिंग अबाउट मी बट ठीक है. समवन ओवर हियर. यस वेविंग राइट एट द बैक विद द या में डायलॉग के साथ थी वो हंसी.
अच्छा वो वाली वो भूल गया है उसने कहा था हां पैदा तो मैं भी शरीफ हुआ था पर शराफत से अपनी कभी नहीं जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया सर आप एक ड्रामेटिक्स एक्टर हैं हम फोर्थ वॉल एक ड्रामेटिक्स क्लब है सर तो आपको हम अगली बार कब स्टेज पे देख सकते हैं स्टेज पे स्टेज पे तो एक्चुअली बहुत पैशन काम है मतलब इतना और थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए और डेफिनेटली एक वो वक्त आता है जहाँ सैचुरेशन पॉइंट आता है एक्टर का या वापस से फिर से थोड़ा ट्रेनिंग लेने लेना चाहता हूँ या वर्कशॉप करना चाहता हूँ आई थिंक वो बहुत जल्दी आने वाला है टाइम तो मैं वापस से स्टेज पे आऊँगा That was just a personal compliment over there. So basically, he was just telling me how I'm really funny and really happy with the way I'm just kidding. I'm just kidding. It's everything. Hey, maza kar. Comedian. All right. Let's get back. Gentleman in the red T-shirt. And as compared to Johnny Depp, who is also referred as one of the most versatile actors. So how difficult do you find this role, sir, to be compare your versatility in the other movies, as far as the Bollywood movies you have done? Wow. Can you please give me some एक्चुअली बहुत ये जो रोल था बहुत डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि एक आदमी 22 साल तक सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा है कि ये पहाड़ इस पहाड़ को तोड़ देना कितना पैशनेट होगा और ऐसे आदमी के इनर में जाना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए क्योंकि और कहीं ना कहीं जब एक्टर के सामने इस तरह का टास्क आता है तो वो अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है और जितना भी पास्ट में जो भी मेमोरीज होती हैं उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए रिकॉल कर लेता है तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कोई कैरेक्टर कर रहे हों तो अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं या रेफरेंसेस लेके या इस तरह कनेक्ट करना चाहिए एक तो ये रोल इसलिए हुआ इजी इसलिए होता चला या बिकॉज ऑफ कैप्टन सर क्योंकि फीडबैक जो इन्होंने दिया था वो और शूटिंग के वक्त जो भी कोई प्रॉब्लम आती थी तो मुझे ये एक सिक्योरिटी एक कॉन्फिडेंस ये रहता था कि मेरे चारों तरफ जो है मेरा डायरेक्टर है और मुझे संभाल लेगा वो Can we take three more questions? The gentleman in the white here, yes. Hello, Nawab sir. My name is Sumit. और सबसे पहले मैं आपके एक्टिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि आपकी जो एक्टिंग है उससे हम इतना चाहते हैं कि कहाँ बताए कितना चाहते हैं कि सीना फाड़ के दिखाए बजरंग बली जैसा इतना चाहते हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद थैंक यू और मेरा एक क्वेश्चन है सर जी कि तो अभी हम इंस्पिरेशन के लिए हम लोग आपको फॉलो करते हैं तो जब आप बॉलीवुड में आए थे तो आप किससे इंस्पायर होकर आगे बढ़ रहे थे मैं सच बताऊं कि मुझे इंस्पायर करने वाले बहुत सारे लोग थे और वो ज्यादातर ऐसे थे सच बता रहा हूँ कि वो बहुत ही आम लोग थे वो ऐसे थे जैसे कि जैसे कोई टेलर मास्टर है लेकिन वो सीता बहुत बढ़िया है कपड़ा है ना कोई मोची है जहाँ से सी देता वहाँ से नहीं फटता बाकी जगह से फट जाता कोई मैकेनिक है
दूर से आके दूर से आती हुई गाड़ी को बताते थे, कार को बताते कि इस पर ये प्रॉब्लम है, इसकी स्टेपने की प्रॉब्लम है, यही है। तो इस तरह के जो परफेक्शनिस्ट थे आम लोग वो ज्यादा मैं एक डायलॉग जो मेरा फेवरेट था वो डायलॉग सुनाता हूँ। मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ तो वो मार रहा है डंडा और मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ ऐसे, तो वो मार के हाँ फजलू फजलू तो पूछता है कहाँ देख रहा है भाई। तो मैं बोलता हूँ कि हम तो सोचे थे संजीव कुमार के घर में बच्चन पैदा हुए, लेकिन जमात खुली तो देखा साला हम तो शशि कपूर है, बच्चन तो कोई और है। और चला पकड़ के इस मूवी से जो माउंटेन मैन से ना, लेट्स हैव अ डायलॉग फ्रॉम मांझी। अच्छा बासीपुर से वो था, बाप का दादा का सबका बदला ले ले तेरा भजन। ऑलराइट गाइस, दैट वाज द क्यू एंड ए। यू गाइस आस्क्ड सम फैंटास्टिक क्वेश्चंस, वर रियली गुड। ओके ओके, वन लास्ट जेंटलमैन इन द ब्लू, वन लास्ट वन, यस गो फॉर इट। मेरा नाम विक्की है और डोंट आस्क फॉर डायलॉग। डायलॉग के लिए मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि जो मूवी में एक पहाड़ तोड़ा है वो सच में तोड़ा गया है? हम लोगों ने ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके उसी पहाड़ पे शूटिंग की है। वो जो आप खुदा हुआ पहाड़ पीछे देखते हैं वो एक आदमी ने अपने हाथों से तोड़ा हुआ पहाड़ है, और सारा यूनिट वहाँ रोज सुबह 3:30 बजे उठकर 1.5 घंटा ट्रैवल करके सुबह सूरज उगने से पहले पहाड़ चढ़ता था, और उसके बाद 1.5 महीने तक उस तरह की वहाँ पे शूटिंग की। हमारे 3-3 जोड़ी जूते गिर गए थे उस तरह का पहाड़। ओके, वन लास्ट एंड वी हैव टू मूव ऑन, दैट्स इट। मुझे ज़्यादा नहीं पता था, बहुत थोड़ा मालूम था, सिर्फ इतना मालूम था कि वही एक कोई इंसान है जिसने अपनी बीवी के लिए पहाड़ तोड़ दिया था। और ये सुन के भूल भाल गया मैं, मतलब कोई हो गया, क्योंकि हम लोगों की प्रॉब्लम जब आम लोगों की ग्रेट स्टोरीज़ या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम आते हैं तो हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उन लोगों में। हमारी आज की डेट में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम जो स्पेशल जो लोग होते हैं तो उनके काम को ज़्यादा आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा उसने वैसा भी किया था, उसने ऐसा भी किया था, बट आम लोग लाइक जैसे अभी हम प्रमोशन के लिए जा रहे हैं हर जगह पे, जयपुर और नागपुर, इंदौर, भोपाल, वहाँ आम लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है वाकई इन लोगों की वजह से दुनिया टिकी हुई है। तो इतनी इंस्पिरेशन है, मतलब बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी लालच के ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको देख के लगता है कि यार वाकई हम लोग तो सेल्फिश हैं, ये लोग तो बिना किसी सेल्फिशनेस के मतलब इतने ग्रेट काम कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, लोगों को शेल्टर दे रहे हैं। Alright guys, thank you so much for your question. We now have to give away 3 awards. We have to give away 3 awards called the Pahad Toda Award for students in your college who have done some fantastic work in their respective fields. And the first award, if we can have the awards ready, is for the goes to the Institute Cultural Council IITB and National Service Scheme IITB for Muskan, a social cultural initiative. Can I have the team representatives on stage? Mr. Arpit Agarwal, Ayush Gupta, Mr. Ankit Agarwal, and Juik. Are you in the audience? All right. G-
give them a round of applause, ladies and gentlemen. The second award goes to Mood Indigo, IIT Bombay's Culture Festival. For Koon Chala, a blood donation drive, I'd like to call upon Mr. Deep Shah and Mr. Aman Chaudhary on stage. Give them a round of applause, ladies and gentlemen. And our third award goes to TechFest IIT Bombay. So I support the movement to kill cancer. I would like to call upon Aditya Surana and to receive this award. One more bigger round of applause, guys. Come on. All right, now, before we leave, Nawaz has a very special announcement that he would like to make. एक्चुअली मैं भी खुद सरप्राइज हो गया आज के मुझे पहली बार यहाँ पे मैंने भी अभी पूरा सुना नहीं. एक सॉन्ग है हमारे फिल्म का जो अभी तक मैंने भी नहीं सुना, मैं भी फर्स्ट टाइम अभी सुनूंगा. और स्पेशली आईटी बॉम्बे के लिए इसको मतलब रखा गया है, स्पेशली मतलब सरप्राइज रखा गया है. फर्स्ट टाइम लॉन्च हो रहा है और तो आयत बाबाई को डेडिकेटेड है ये सॉन्ग.